नंगल दे विच गैस लीक होण दे नाल बच्चियां दी हालत खराब। मौके ते पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस। सिख्या मंत्री नया नंगल विखे गैस लीक दी शक्की घटना तो प्रभावित बच्चियां नूं मिले। सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अज नया नंगल विखे सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल नेड़े एक उद्योगिक इकाई तो गैस लीक होण दे शक तो प्रभावित बच्चियां नूं मिलण दे लई सब डिविजनल हस्पताल दा दौरा किया। घटना की सूचना मिलदिया ही सिख्या मंत्री अते डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव समेत सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिथों सेंट सोल्जर स्कूल के 2684 विद्यार्थियों अते स्टाफ नूं सुरक्षित बाहर कढ़ के घर भेज दिता। इस मौके सिविल सर्जन डॉक्टर परमिंदर कुमार ने दस्या कि साह की तकलीफ तो पीड़ित बच्चे हस्पताल दे विच जेरे इलाज हन अते खतरे तो बाहर हैं। सारे बच्चों सरकारी हस्पताल दे विचों छुट्टी दे दी गई है। हुण तक सिर्फ 6 बच्चे ही दाखिल हुए हैं। एक बच्चे नूं PGI चंडीगढ़ भेजा गया है जिसकी हालत हुण स्थिर है। वह अपने मापियां दे अनुसार पहला ही बीमार सी। उन्हां दस्सिया कि घटना की सूचना मिलदियां ही SMO नंगल डॉक्टर नरेश कुमार अते उन्हां दी मैडिकल टीम तुरंत एंबूलेंस समेत स्कूल पहुंची अते बच्चों की जांच शुरू कर दी गई, जिस नाल स्थिति नूं चंगी तरह समझिया गया अते पीड़ित विद्यार्थियों नूं समय ते हस्पताल पहुँचाया गया। मॉर्निंग एक गैस लीक दी आई थी जी। सब तो वध कंप्लेंट एक स्कूल दे विच जिहड़ा प्राइवेट स्कूल है सेंट सेजल, उहदे विच बच्चों तो इमीडिएटली सारे प्रशासन नूं हाई अलर्ट ते पा के जिन्नी डिस्ट्रिक्ट की एंबूलेंसिस सीगियां जो भी प्रकॉशन असीं वरत सकदे सी उहनूं वरत्या। इमीडिएटली मैं भी पहुंचिया, पूरे स्कूल नूं वैकुलेट कराया ते एज अ प्रकॉशन उस एरिए नूं भी मेरी बेनती है लोगों कि फिलहाल अगले कुछ घंटियां लई एवैकुलेट कर लिया जाए, क्योंकि हजे पता नहीं कि गैस है कितों आई है। जांच के विषय है सारे बच्चों घर भेज दिता गया। तकरीबन 19 बच्चे जिन्हों विचों कुछ बच्चे हिमाचल के भी ने ते बाकी बच्चे इस वक्त जरे इलाज ने, जिन्हों विचों सारे बच्चे ठीक है। एक बच्चे एज अ प्रकॉशन PGI भेजा गया, उन्होंने भी लगातार उन्होंने नाल इतों भी लोकल डॉक्टर भेजे गए ने लगातार गल गए ने। एक बच्चा कॉन्शियस है, वह भी ठीक, वह भी बिल्कुल ठीक है। तो कोई घबराने की लड़ नहीं, कोई पैनिक करन की लड़ नहीं। तो सारे इलाका वासियों का धन्यवाद, मीडिया के साथियों का धन्यवाद जिन्हें मौके पर पहुँच के खुद भी राहत दे विच मदद की है। तो दूजी गल जो थोड़ा सी कि फैक्ट ये हजे सारा जाँच का विषय है कि वैदर दिस लीक इज़ फ्रॉम PACL और NFL, क्योंकि जो मैंने ऑफिसर्स ने दसिया कि PACL वाले जो भी दस रहे हो कहते साडे मुलाजम ने मैंने दसिया वो कह रहे कि NFL चो NFL वाले कह रहे कि तो जो भी वो जाँच का विषय है। पर साडी जिहड़ी फाइल फिलहाल प्रायोरिटी है वो सारिया की सेफ्टी है, टीचर्स की, स्टाफ की, बच्चों की, क्योंकि वैसे भी वो स्कूल के 2400 बच्चे पढ़ते हैं। तो उदा ही कई बार पैनिक क्रिएट हो गई, तो पर इस वक्त राहत की गल है परमात्मा ने कृपा। तो हजे भी अगले एक दो घंटे जोड़े और प्रिकॉशन दे है, क्योंकि कुछ बच्चों घरों जाके भी कोई तकलीफ हो रही, खास करके जिन्हें बच्चों पहला साह की कोई दिक्कत है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो करते रहेंगे नंगल के जिन्हें भी स्कूल ने उन्होंने एज अ प्रिकॉशन छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि बच्चों के उत्ते गैस का ज़्यादा असर हो सकता। तो इस अलावा स्कूल तो अलावा किसी होर प्राइवेट बंदा अजे तक कोई भी इदा का केस रिपोर्ट नहीं होया, तो सारे बच्चे भी ठीक है। मैं फिर थानू दसदा कि हजे एक बार सेट के उत्ते जिदा ही है थोड़े सामने लोकल सारी एडमिनिस्ट्रेशन कर दी गई है। PPCB की टीमा भी बुला लिया गई ने फ्रॉम पटियाला, एक्सपर्ट्स आर कमिंग, NDRF की एज अ प्रिकॉशन अपने वालों से सारा कुछ वो भी टीम्स बुला लिया गई तो यही करा। दोस्त मेरी गल सुनो, देखो जी जान है तो जहान है, ठीक है ना। इंडस्ट्री कम्स लेटर, फर्स्ट इट इज़ लाइफ। अगर साड़ी जिंदगी तो कोई भी हो उस उत्ते सख्त कार्रवाई लगे भी देंदे रहेंगे, तो हजे कोई किसी को पैनिक करने की लोड़ नहीं। सारे बच्चे ठीक है, सारा कुछ है, सारे टोटल डॉक्टर्स एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी बुला ले गए ने, मैं खुद इन्हें मोनीटर कर रहा, किसी ने कोई दिक्कत नहीं। नवी खबर देखने के लिए सबसक्राइब करो PBX News द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।